आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो दिवाली से पहले जियो का धमाका, स्मार्टफोन को टक्कर देगा जियो का 2599 रुपए का मोबाइल। दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने कायोएस पर बेस्ट 4G कीपैड स्मार्टफोन प्राइमा जो है वो लॉन्च कर दिया है। कीपैड स्मार्टफोन का ये एक किफायती और एडवांस वर्जन है जिसकी कीमत जो है 2599 रुपए रखी गई है। वही इस फोन में जो है ग्राहक यूट्यूब और फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल वॉइस असिस्टेंट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। वही जियो ने अपने नए कीपैड स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन में काफी यहाँ पर काम किया है। वही जियो फोन प्राइमा जो है उसका यहाँ पर डिजाइन काफी बोल्ड और प्रीमियम यहाँ पर लगता है। इसके फीचर की बात करें तो इस फोन में यहाँ पर 2.4 इंच का जो है डिस्प्ले शानदार रिजल्ट यहाँ पर देती है। वही पावर के लिए इस स्मार्टफोन में जो है 1800 mAh की बैटरी दी गई है। वही वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफी के लिए मोबाइल दोनों तरफ डिजिटल कैमरे इसमें दिए गए हैं। मोबाइल के पिछले हिस्से में फ्लैश लाइट भी यहाँ पर मिलेगी। वह स्मार्टफोन जियो टीवी और जियो सिनेमा, जियो 7 जैसी प्रीमियम डिजिटल सर्विस से लैस है। जियो पे के जरिए UPI का भुगतान भी इस स्मार्टफोन से किया जा सकता है। मतलब ये जो नया फोन निकाला है जियो ने, इस फोन से यहाँ पर जो है UPI पेमेंट भी किया जा सकता है। वही इसमें 23 भाषा का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। चमकदार रंगों में आने वाले इस फोन को प्रमुख रिटेल स्टोर के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि रिलायंस डिजिटल, जियो मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक, अमेजोन से भी जो है आप ऑनलाइन इसे फोन को मंगवा सकते हैं। बाद में कहते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार ने सस्ता कर दिया है LPG सिलेंडर, तो अब बढ़ गई है देश में रसोई गैस की खपत। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए LPG रिफिल कराना सस्ता कर दिया है। LPG सिलेंडर पर सब्सिडी की रकम को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश में रसोई गैस सिलेंडर की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा जो है देखने को मिला है। वही 19 अगस्त 2023 को PM यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसने यहाँ पर सामान्य और PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया था। वह सरकार के इस फैसले के बाद सितम्बर महीने में औसतन रोजाना रिफिल होने वाले LPG सिलेंडर की संख्या जो है 11 लाख पार जा चुकी है। वह अक्टूबर 2023 में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जो है 100 रुपए और रसोई गैस और भी सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद जो है अक्टूबर में LPG सिलेंडर की डिमांड बढ़ने के बाद रोजाना जो है 10.3 सिलेंडर की रिफिल देखने को यहाँ पर मिली है। ये माना जा रहा है कि LPG सिलेंडर में रिफिल कराने की तादाद जो है उसमें यहाँ पर और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही 5 राज्यों विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो है मोदी सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमतों को घटा दी है। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को LPG सिलेंडर जो है 500 रुपए सस्ता यानी 700 रुपए में मिल रहा है, बाकी LPG ग्राहकों को ये 900 रुपए में मिल रहा है। पहले जो है 1100 रुपए देने पड़ते थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। देखिए बढ़ते प्रदूषण की वजह से 10वीं और 12वीं के स्कूल भी अब रहेंगे बंद। सर्दी की छुट्टियों का हुआ है ऐलान। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने 9 से 18 आज से लेकर 18 तारीख तक जो है सर्दियों की छुट्टी घोषित किया है, जो भी सभी यहाँ पर क्लासों के लिए यहाँ पर लागू होगी। इसका मतलब यह कि इस दौरान जो है 10वीं 12वीं के स्कूल्स भी यहाँ पर बंद रहेंगे। इस तरह दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी जो है घोषित कर दी गई है। दिल्ली में स्कूल अब जो है 20 नवम्बर को खुलेंगे। वही दिल्ली के स्कूलों में यहाँ पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी में होने वाली विंटर ब्रेक यहाँ पर होता है, लेकिन इस बार जो है सीएम केजरीवाल ने विंटर ब्रेक पहले करने का निर्णय लिया है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से चलते 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी जो स्कूलों के क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रही है, यानी बाकी सभी स्कूलों की जो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही यहाँ पर ली जा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। जो देश के 46% परिवार की आय जो है 15,000 से कम, बिहार में हालात इससे भी है बदतर। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट कहती है कि राज्य की जो है 34.13% लोग जो है उनकी आय 200 रुपए जो यानी 700 रुपए से भी यहाँ पर कम है। वह 6 से 10,000 रुपए कमाने वालों की संख्या जो है 29% के आसपास है और 6,000 महीना कमाने वाले परिवारों की संख्या में यहाँ पर 25% जो है वो सवर्ण शामिल है, यानी जो यहाँ पर सवर्ण जाति के जो लोग है वो है। वही पहले जातिगत जनगणना फिर भी यहाँ पर इसकी रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में एक बार फिर से यहाँ पर बिहार की चर्चा हो रही है। वही सोशल मीडिया पर बिहार ट्रेंड कर रहा है, जबकि कुछ राज्यों को छोड़ दे तो देश के बाकी सभी राज्यों की स्थिति जो है कमोबेश ऐसी ही है। इस बार जो है तोबा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा, यही सच यहाँ पर देश भर का है। वही पिछले साल आया एक सर्वे भी यहाँ पर बिहार के आंकड़ों को ताकता। रिपोर्ट कहती है कि भारत परिवार की औसत आमदनी जो है 30,000 रुपए में। नई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15,000 रुपए से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या
40% है। 15 से 35 के बीच कमाने वालों की संख्या 40% और 35 से 50 हजार महीना कराने वाले मतलब जो कमाने वाले जो है उनकी संख्या जो है 8% है, यानी 94% परिवार ऐसे है जिनके आय जो 15 से 50 हजार रुपए के बीच है। वैसे सर्वे के मुताबिक जो है आय में सबसे आगे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आते हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसी भी यहाँ पर रिपोर्ट में स्थिति जो है अच्छी नहीं है। बिहार इस रिपोर्ट में एक तस्वीर से बिहार की इस रिपोर्ट ने एक तस्वीर से पर्दा उठाया है। वही गरीब सवर्ण जिनकी संख्या 25% है, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वह सरकारों को इसे देखकर पॉलिसी जो है वो तय करनी होगी।